वीलुकअप में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइक फंक्शन की, लाइक कमांड जैसे फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास सिटी है, राइट? तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे मान लीजिए कि दो कंडीशंस के ऊपर अपनी क्वांटिटी को लेके आना है। मतलब मुझे क्वांटिटी को लुकअप करना है। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि देव जो डिसीजन में है उसका डेटा दे। अगर मैं डायरेक्टली भी की वी लुकअप लगाता हूँ तो जाहिर सी बात है सिर्फ देव को ही मैच कर पाऊंगा, बाकी को तो मैच कर ही नहीं पाऊंगा। अब देखिए 21 आया जो कि यहाँ पे डिसीजन है। अब मान लीजिए कि मैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा है इसलिए दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देव और MUZ कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि 74 आ रहा है। ये नीचे वाला देव को कंसीडर ही नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि दो कंडीशन मतलब कि नेम और सिटी दोनों के साथ मिक्स हो गए और फिर यहाँ पे रिजल्ट। अब वी लुकअप के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि आप किसी भी एक्सेल को करिए, किसी भी मल्टीपल कंडीशन को लुकअप कर सके। तो यहाँ हम थोड़ी सी अपनी ट्रिक्स को अपनाते हैं। हम क्या करते हैं कि एक नई कॉलम को ऐड करें। अब इस नई कॉलम में यहाँ पे हम देंगे अपना आईडी कर देते हैं, एक आईडी, एक यूनिक आईडी जनरेट करते हैं। कैसे करेंगे? हम नेम के साथ उसकी सिटी को कंबाइन करेंगे। नेम के साथ हमने क्या किया, उसकी सिटी को कंबाइन कर। अब जहां वी लुकअप लगाएंगे हम वहां भी, क्योंकि लुकअप वैल्यू तो सेम होना चाहिए, तो नेम को सिटी के साथ हमने कंबाइन किया। अब डैश लगाना जरूरी नहीं है। डैश क्यों लगा रहे हैं? सेपरेशन के लिए, ताकि हमें समझ में आए, इसलिए कॉमा 4, 0। अब मैं यहां एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि हमारा डेटा आ गया। मतलब देव जो डिसीजन में था वो यहाँ पे शो। राइट सर? तो इसी तरह से अगर तीन है तो तीन कंडीशन कर लो, चार है तो चार कंडीशन। तो महेंद्र जी, अंकित जी, अनिकेत जी, समझ में आया आपको? अमित जी सॉरी, सर ये क्या बताना, क्या दोबारा करना एक बार सर ये फॉर्मूला एक देखिए, बार। सिंपल सी बात समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक नया कॉलम को ऐड किया। अब इस नए कॉलम में हमने क्या किया, नेम और सिटी को आपस में किया कंबाइन। नेम एंड सिटी को क्या किया, आपस में कंबाइन। फिर जब फॉर्मूला हमने लगाया तो बाकी भी लोगों का फॉर्मूला आप जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाए। बस जहां लुकअप वैल्यू थी यहाँ पे भी हमने नेम और सिटी को कंबाइन कर दिया, सेम उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमने कॉलन ए में किया। ओके आपने समझ गए? फॉर्मूले की जगह। ओके ओके आगे बढ़े आप। हाँ जी अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है यहाँ पे कि मेरे पास सिटी है, इसमें आप देख पा रहे कि न्यू दिल्ली, लेकिन किसी ने जो डेटा लुकअप करने के लिए भेजा है उसके अंदर जो सिटी है वो सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है और मुझे इसकी क्वांटिटी को लुकअप करना है। तो अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ, दिल्ली के सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ कॉमा 2, कॉमा 0 करता हूँ तो NA आए। अब NA क्यों आ रहा है? NA आने के पीछे रीजन क्या है? एन आने के पीछे रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये है क्योंकि यहां न्यू दिल्ली है। तो क्या करें? अब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना, कभी पूरा नाम या शॉर्ट नेम, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि डेटा में आपका पूरा नाम लिखा हो और लुकअप करते समय आपके शॉर्ट नेम हो गए, या फिर आपके डेटा के अंदर जो यूनिक आईडी है उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर है जिसके साथ उसकी बैंक की, बैंक का नेम जुड़ा हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है उस केस में। यहाँ दिल्ली के आगे और पीछे लगा दीजिए स्टार।
पे हो जाता है लाइक कमांड, मतलब कि इसने देखा कि सिर्फ दिल्ली किसमें है, चाहे वो किसी टेक्स्ट के आगे हो या किसी टेक्स्ट के पीछे हो, आखिर दिल्ली है कहाँ। तो सर इसमें तो न्यू दिल्ली 2 बार है, तो इसमें जो सर स्टार्टिंग दो वाला है चीज अलग है, पॉसिबली। दो बार है तो फर्स्ट जो लुकअप करता है वो करेगा ही करेगा, तो जैसा चलता है वो तो करेगा, उसमें तो दिक्कत नहीं, वो अलग मेथड हो, ठीक है ना। दो बार है तो वो पहला ही उठाएगा हमेशा, ये तो फिक्स है सर, क्योंकि वो लीनियर वैल्यू उठाते ही वी लुकअप साफ करता है, जब वी लुकअप लगाते हैं उसी से वी लुकअप बोलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना आपको। अब इसमें देख लिए, अगर मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट डेल, तो अब जो वी लुकअप करेगा वो एंड विथ, मतलब कि दिल्ली के आगे न्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, कुछ भी हो सकता है, बस लास्ट में दिल्ली होना चाहिए। फिर यहाँ अगर हम दिल्ली करते हैं और स्टार लगा देते हैं, ये होता है स्टार्ट विद दिल्ली, कि स्टार्टिंग में दिल्ली होना चाहिए, अब उसके बाद दिल्ली रोड हो, दिल्ली 03 हो, 04 हो, 010 हो, 01 हो, कुछ भी हो, पिन होता है, कई बार मैं आपको यहाँ पे कि दिल्ली 03 ऐसा लिखा हुआ होता है सर। तो इस केस में आपका एक मेथड अपनाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिटी हैं, तो क्या सब में स्टार लगाना पड़ेगा? जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ, जैसे MUZ कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, लेकिन मेरे डेटा में क्या है, मेरे डेटा में है MUZ AFFARUR, मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुजफ्फरपुर को लुकअप करे, तो मैं चाहता हूँ स्टार्ट विथ MUZ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टार्ट विथ। तो बोलेंगे कि मैं यहाँ पे एक स्टार लगा दूंगा, वी लुकअप लगा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे डेटा है, तो सबके अंदर लगाना थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो यहाँ हम वी लुकअप लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉनकेटा नेट लगा के यहाँ पे स्टार दे देंगे एंड कॉमा, हमने अपना डेटा को ले लिया एंड कॉमा 2,0, समझे। हाँ यहाँ पे आ गया 30। तो हमने वी लुकअप के अंदर ही क्या किया, अपने स्टार को ऐड कर दिया। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसमें? नहीं है ना। अब चलो एक और डेटा बनाते हैं, बेसिकली मेरे पास कई सीट का डेटा है कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, और यहाँ पे मेरे पास समरी है। एक एक एग्जांपल ए हम देख लेते हैं, अब क्या है इसमें हम नेम, एक छोटा सा डेटा बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीजें बताऊंगा इसमें। इसमें एक नया फॉर्मूला, इनडायरेक्ट फॉर्मूले का आप एक नया मेथड देखेंगे, तो बने रहें, पेशेंस रखें और इस डेटा को मुझे क्रिएट करने दें, ठीक है। इसी डेटा को कॉपी करके बाकी 3 सीट पे करना है, तो एक बार शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया तीनों सीट को, मैं एक ही बार तीनों को पेस्ट कर दिया। अब मुझे सब इसमें क्या है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ दिख रहा है सब में, अब मैं चाहता हूँ कि सब वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो चारों सीट को शिफ्ट के साथ में एक बार सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करके इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि चारों सीट वन टाइम में हमारा कन्वर्ट। अब मुझे समरी के अंदर में नेम लिखने हैं और क्वार्टर्स के नेम लिखने हैं। अब मुझे 4 सीट से डेटा लुकअप करके लाना है, ठीक है। अब मेरा डेटा चारों सीट के अंदर में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि 4 सीट में है या नहीं है, अवेलेबल है, बस उसके यहाँ पे हम समरी क्रिएट करना चाह रहे हैं,
अब ऐसे तो यहाँ चार सीट है, तो आपको यहाँ पे चार बार वी लुकअप लगाना होगा। कि वी लुकअप इसको आपने सेलेक्ट किया, टेबल में गए, डेटा को लिए और यहाँ पे आपने 5.0 करके एंटर कर दिया, तो आपका पूजा का क्वार्टर वन का टोटल आ गया। आप इसको नीचे भी ड्रैग कर सकते हो तो बाकी सारा आ जाएगा। फिर आपको दूसरे टेबल के लिए, दूसरे सीट्स के लिए आपको दोबारा वी लुकअप लगाना पड़ेगा। क्या सर? दोबारा वी लुकअप लगाने के बाद फिर मुझे दूसरे शीट में जाना होगा, फिर दूसरे शीट का डेटा सेलेक्ट करना होगा एंड कॉमा 5.0 करना होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास चार कॉलन है, तो चलो मैं इजीली कर लूंगा, 5 मिनट लगेगा मैं कर लूंगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे आपके पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ कॉलन्स है और उतने नंबर ऑफ शीट्स हो, तो कैसे हो? अब देखिए मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है कि आपका फॉर्मूला शो करता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला कंपेयरिंग करने के लिए फॉर्मूला टेक्स्ट लगा रहा हूँ, तो दोनों फॉर्मूले के बीच में सब कुछ तो सेम दिख रहा है, अंतर क्या आ रहा है? अंतर सिर्फ ये आ रहा है कि ए से हाँ सीट सीट नेम चेंज हो रही है, सीट का नेम चेंज हो रहा है, और इत्तेफाक से जो सीट का नेम है वही हमारा कॉलम का हेडिंग भी है। तो क्यों ना वैल्यू वी लुकअप लगाते समय इस सीट नेम को कॉलन हेडिंग से पिक कर ले। क्या चेंज हो तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला में ए जो आ रहा है इसको करेंगे डिलीट, ठीक है, और रही है। हम करेंगे इसको सिलेक्ट एंड परसेंट, इसको सिलेक्ट किए और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर मारने पे दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत हुआ? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि B1 और ये जो कंबाइन हुआ तो ये बन गया टेक्स्ट। क्योंकि जब भी हम किसी दो सेल को कॉनकेटेनेट करते हैं तो हमेशा टेक्स्ट बन जाता है, तो टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। किसका फॉर्मूला होता है? इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट आप देखिए रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आया तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूला मेनू बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला होता है उस पे चलते हैं। तो एवलेट फॉर्मूला में देखिए A2 इनडायरेक्ट चला, इनडायरेक्ट ने क्या किया, दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद देख रहे हैं आप टेक्स्ट में इन्वर्टर कॉमा आया ना, मतलब तो कि टेक्स्ट है। जब इसको मैंने अगेन किया तो क्या हुआ, दोनों आपस में ज्वाइन होके रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया। क्या सर? और फिर वी लुकअप ने लुकअप दे दिया। अब मुझे बाकी वो करना है तो बस हमें फ्रीज करना होगा, मतलब कि हम A2 को फ्रीज करेंगे, यहाँ B1 को फ्रीज करेंगे, बाकी कुछ फ्रीज करने का जरूरत नहीं है, और फिर नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। रिजल्ट आ गया सर। सर एक चीज बताइए सर, इसमें मेरे को इनडायरेक्ट में से टैक्स में क्यों कन्वर्ट करा आपने? नहीं नहीं समझे, देखिए यहाँ पे बात समझिए, ये हमारा बी है, यहाँ हमारा वन है, राइट है ना। हमने क्या किया कि बी और वन को कॉन्केट करके B1 बना दिया। तो क्या लग रहा है, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला में B1 का डालूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या सम का जीरो का फॉर्मूला इस B1 को आपका ये B1 का कंसिडर करेगा? नहीं करेगा। टू तो करेगा, B2 को करेगा? नहीं करेगा। तो इसी चीज के लिए यहाँ हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इनडायरेक्ट क्या करेगा कि इस B2 जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको कन्वर्ट कर देगा B2 के रेफरेंस फॉर्मेट में, जिससे सम B2 की वैल्यू 194 को शो करेगी। समझ में आया आपको? तो उसी तरह से सेम यहाँ हुआ, क्योंकि ए हमारा क्या आ गया, ए हमारा कॉलन हो गया और हमने सीट नेम कॉलन नेम मेन के एक एड्रेस बना दिया, जैसे कि हमने यहाँ बनाया हुआ था बी और टू को जोड़ के। लेकिन बात वही है ना कि जोड़ने के बाद वी लुकअप उसको एज ए एड्रेस कंसीडर करके उसकी वैल्यू लुकअप नहीं ना करेगी। आपको
इसलिए हमने इनडायरेक्ट के अंदर भी चीज को डाला, तो इनडायरेक्ट क्या करेगा इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करके वी लुकअप को देगा, फिर वी लुकअप इसको एज ए रेफरेंस कंसीडर करके आपका रिजल्ट शो कर देगा। क्लियर है? ओके चलिए अब हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन के ऊपर, मल्टी सीट वी लुकअप। किसके ऊपर? मल्टी सीट वी लुकअप। फिलहाल हम दो सीट लेते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास आईडी है और यह एक सीट में आईडी एक से लेकर 10 तक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने नेम और नेम ही डाल देते हैं, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझना है ना सर। और पहले 8 तक हुआ, पहले वाले सीट में आईडी है और मान लीजिए 9 से शुरू है, 9 10 इस तरह से। और यहाँ पे मेरे नेम दे देते हैं। ओके, तीसरा सीट जो हमारा एम लुकअप का सीट है, मल्टी सीट वी लुकअप, मतलब हम कहते हैं लगेगा ना वी लुकअप भी, ऐसा नहीं कि एम लुकअप का फॉर्मूला आप ढूंढने लगे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 किया तो हम वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप पे हमने क्या किया, D1 को सेलेक्ट किया और D1 की वैल्यू ले ली, तो रिजल्ट N आया, क्योंकि मेरा जो 1 है वो तो दूसरे सीट में, मतलब कि मुझे 2 वी लुकअप लगाने पड़ेंगे दोनों अलग अलग सीट, क्योंकि एक वी लुकअप के अंदर कभी भी 2 सीटों से डेटा नहीं लिया जा सकता, हमेशा आपका एक सीट से डेटा लगे, एक वी लुकअप एक सीट से। तो मुझे कि मुझे जो है 2 सीटों में देता है तो मुझे 2 वीलुकअप लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ 2 वीलुकअप को अलग अलग सेल में लगा रखा है, लेकिन मुझे यहाँ एक सेल में चाहिए ना। तो हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला है। इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि एक अगर वीलुकअप एरर देगा तो दूसरा वीलुकअप चलेगा, मतलब फॉर्मूला लगाते समय आप क्या करेंगे, इफ एरर के फॉर्मूला लेंगे और उसके अंदर आप दोनों वीलुकअप लगा देंगे। यहाँ पे कॉमा 2 कॉमा 0, फिर यहाँ पे कॉमा एक कॉल वीलुकअप और A2 कॉमा दूसरे शीट से D2 से कॉमा 2 कॉमा 0 और एंटर प्रेस कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। अब मैं 1 डालू, 2 डालू, 9 डालू, तो दोनों सीट से देखिए 9 जो है D1 में है और 8 करता हूं तो D2 में है, दोनों का रिजल्ट यहां शो कर रहा है। क्लियर सर? देखिए प्रॉब्लम है कि इफ एरर हमेशा 2 इनपुट ही लेता है, मतलब कि एक वीलू इफ एरर के साथ हम 2 ही वीलुकअप लगा सकते हैं। और जैसा कि महेंद्र जी ने बोला कि मेरे पास जो डेटा है वो 4-5 सीट का डेटा है, अब मैं यहाँ पे D3 नाम का एक सीट ऐड कर देता हूँ। अब इसमें जो आईडी है वो है आपका 17 से, तो 70 80, और यहाँ पे इसको हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये आपका 28 तक रहा नेम, ठीक है। अब तीसरा वीलुकअप कैसे ऐड होगा, तो तीसरा वीलुकअप के लिए हमें क्या करना है, जस्ट एक पहले इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है। एक इफ एरर में आपका आ गया पुराना दूसरा इफ एरर, पहले वाला जो इफ एरर था वो, और फिर इसमें दूसरे पार्ट में लगा दीजिए वीलुकअप तीसरे सीट से। सेम उसी तरह जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्लग पॉइंट है, तो आपने क्या किया उसमें एक कनेक्टर जोड़ दिया जो कि 2 आउट करता है ना सर। लेकिन आपके पास है टोटल 3, सुनिए आपके पास टोटल 3, मान लीजिए ना कि 3 आपके पास टोटल मोबाइल चार्जर लगाने, मोबाइल को चार्ज में लगाना है, तो आपके पास आपने क्या किया एक पॉइंट में एक कनेक्टर लगाया जो कि 2 पावर आउट कर रहा है, आपने आपने क्या किया कि इसमें मोबाइल 1 को लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक और कनेक्टर जोड़ दिया जो कि 2 और आउट आउट करेगा, तो इसमें आपने मोबाइल 2 लगा दिया, इसमें आपने मोबाइल 3 लगा दिया। सेम इफ एरर का काम होता है कि पहले वाले इफ एरर के अंदर में दूसरा वाला इफ एरर डाला, दूसरा इफ एरर में 2 वी लुकअप और फिर पहले वाली इफ एरर के फॉल्स पार्ट में तीसरा वी लुकअप,
समझे। अपन ये इफ भी तो लगा सकते ना, इफ एरर की जगह इफ एरर में इफ से नहीं हो सकता काम? नहीं सर, इफ्स नहीं लगा सकते, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारा यहाँ फिक्स कंडीशन है कि अगर डेटा ना मैच किया तो इफ ये आएगा ना, एरर आएगा ना। इफ में तो फिर आपको इज एरर फॉर्मूला लगा, इफ्स के अंदर फिर आपको इज एरर फॉर्मूला लगा के देना पड़ेगा, तब जाके कंसीडर करेगा। बात समझे। ऐसे आपका चौथा होगा तो फिर यहाँ पे एक और इफ एरर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चौथा वी लुकअप लगाना पड़ेगा, इसी को आगे कंसीडर करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, समझ गए, क्लियर है, ठीक नहीं। कोई डाउट इसमें। तो इसमें आप और ज्यादा शीट बढ़ा के कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है जो कि सबके जुबान पे ये चीज रहता है, मल्टी सीट वी लुकअप। जैसे मेरे पास ये, अब ये चीज आपको रिसर्च करनी है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया, अब बारी आती आप लोगों की। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने नेम लिखा, मैंने यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। तो अगर मान लीजिए मैं पूजा को लुकअप करता हूँ, यहाँ भी लुकअप करता हूँ, तो पूजा को लुकअप करता हूँ तो पूजा की जस्ट एक वैल्यू आती है 57। लेकिन अगर मैं यहाँ पूजा को फिल्टर करूँ तो देखूँ कि इसके कई सारे वैल्यू है, राइट, कई सारे वैल्यू है ना यहाँ पे 57, 87, 27। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा रिजल्ट कंबाइन होके आ जाए, यहाँ पे 57, 87, 27, 73, 41, 71। समझ गए। अब आपको इस पे करनी है रिसर्च, और रिसर्च करके मुझे बताना है कि हाँ इसका ए फॉर्मूला लगेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कल मॉर्निंग 6:30 की क्लास में इस कंसेप्ट को मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। ठीक और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं उन वो भी कल के लिए इनवाइटेड है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, देखिए अभी हमारे साथ ज्वाइन है 3 लोग, सुबह 6 का टाइम बैच था, तो आप भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट जो है मेरी वेबसाइट पे जाइए या मुझे कॉल कीजिए। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।